हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्च पे, जहां पर हम सारे फैकल्टीज आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आपके मतलब का है जरूर देखिए, लेकिन वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, बिकॉज मैंने नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन लास्ट में पहले हम समझते हैं कि क्या है आज का टॉपिक हमारा। क्या है, आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग कंसोलिडेशन की, बैंकिंग मर्जर की। तो ये तो होना ही था। मुझे याद है 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर पहले ही इसका एक ड्राफ्ट गाइडलाइन दे चुके थे। तो आइए पहले समझते हैं कि कैसा मर्जर हुआ है, क्यों मर्जर हुआ है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम वो बात करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, स्टार्टिंग करते हैं। और 3 PM पे मेरा अनअकैडमी प्लस पे क्लास भी होता है स्पेशल, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज क्लास की टाइमिंग भी चेंज हो जाती है ना। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा टॉपिक क्या है, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बैंक जो मर्ज हो रहे हैं, तो मर्ज क्यों होंगे, क्या क्या पॉइंट्स रखा गया, हम सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब मेरे जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, बिकॉज ये वीडियो आप देखना अच्छा जाएगा, तो जो बच्चे मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे दो सेशन होते हैं। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडियो वॉल्ट, ये हमारा चैनल है यूट्यूब, 9 AM पे करंट अफेयर्स और 10 AM पे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की बात हम करते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो अनअकैडमी प्लस पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे आप मुझे यहां पर देख सकते हैं, इस टाइम पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं आपके लिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप घर बैठे बैठे इनसे पढ़ाई कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे इनसे पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे। कॉस्ट की बात मैं क्यों बोल रहा हूं, अच्छा उसके पहले, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, और इवन आप मेरा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेड बैच राइट नाउ, मेरा अभी बैंकिंग का GA का एक बैच चल रहा है, और अभी नेक्स्ट वीक से मेरा एक बैंकिंग फाइनेंशियल का अलग से वीडियो आ रहा है, एक पेड कोर्स आ रहा है, और एक कोर्स मेरा आ रहा है फॉर योर RRB PO एग्जामिनेशन, RRB क्लरिकल एग्जामिनेशन, IBPS PO, IBPS क्लर्क। जो मेरा सेशन है वो है MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स, हाई लेवल क्वेश्चंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल और PO के एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आए गए, हमें आइडिया है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो हम जानते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कोर्स को मेरे जरूर फॉलो करिए, और मेरे कोर्स को आपको फॉलो करना है तो आपको प्लस कोर्स में एडमिशन लेना होगा, और प्लस कोर्स में एडमिशन आप कैसे लेंगे मैं वो आपको समझाता हूं। ठीक है, उसके पहले आपके लिए एक बेनिफिट और है, अनअकैडमी ने 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल भी दिया है अपने प्लस प्लेटफॉर्म का। फ्री ट्रायल क्यों, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म को फील नहीं किए अभी तक। फील मैं बार बार ये बोल रहा हूं, आप कहीं पैसे देते हो, आप ऑफलाइन में पैसे दोगे, आप ऑनलाइन में पैसे दोगे, पैसे आप देते हो ना। अच्छा, ऑफलाइन में आप गए, आपने 3,000, 4,000, 5,000 फीस पे कर दिया। अब जो फैकल्टी वहां पे पढ़ा रहे हैं, 2-3 फैकल्टी, आपको उन्हीं से पढ़ना है, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा खराब हुआ, आपका पैसा खराब हुआ, फिर क्या करेंगे आप। तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए, बिल्कुल रियल टाइम पर आपको पढ़ाया जाता है। और जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो, फॉर एग्जांपल आप रेलवे की बात करो, हमारे पास 50 प्लस एजुकेटर्स हैं, आप बैंक की बात करो 60 प्लस एजुकेटर्स हैं, UPSC की बात करो 10 प्लस एजुकेटर्स हैं, हमारे पास काफी एजुकेटर्स हैं हर सब्जेक्ट के। आपको जहां भी दिक्कत होती है, किसी कुछ भी, आपको आपको टाइमिंग का इश्यू है, आपको कंटेंट का इश्यू है, आप तुरंत बदलो, चेंज करो, वो आपके हाथ में है। तो ये आपको करना चाहिए। 7 डेज का ट्रायल है, ट्रायल के लिए क्या करेंगे आप, अगर आपने कभी अनअकैडमी प्लस नहीं ज्वाइन किया है, कैसे देखिए, यहां पे करना है आपको, आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक, अनअकैडमी लर्निंग ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करना है, साइनअप करना है, ठीक, ये सब जानते हो। जैसे ही आप आओगे हमारे एप्लीकेशन पे, आपके सामने ऐसे एक पेज खुल के आ जाएगा, और यहां पर आपको बैंक, फॉर एग्जांपल मैं बैंक की बात करता हूं, आप बैंक पे क्लिक करोगे, आप जब बैंक एग्जाम पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये फी का स्ट्रक्चर खुल के आ जाता है, देख लीजिए यहां पर, और यहां पे लिखा है कंटिन्यू, यानी कि क्या हुआ, आपको चूज करना है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। देखिए ये 12 मंथ का कोर्स है, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप या तो 12 मंथ या तो 6 मंथ का कोर्स लीजिएगा। क्यों, मैं एग्जाम्पल देता हूं, देखिए आप भले कहीं पढ़ चुके हो, डजंट मैटर, GA एक गेम चेंजर है, आप भी जानते हो। अब सितंबर में मेरा कोर्स शुरू हो रहा है जो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 महीने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम मान लीजिए IBPS क्लर्क के हो गए तो, जो जनवरी में होना है, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका, मान लीजिए कैनरा बैंक का फॉर्म आ गया तो, आता ही है जनवरी फरवरी में, बॉब का फॉर्म आ गया तो फिर से आप लोग, आपको महंगा पड़ेगा। 6 महीने का, 1 साल का लेके देख लीजिए,
आराम से आपके क्लास की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है आपको। चलिए ये मेरा कोड है एम लाइव कोड, इसे आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहां पर जैसे 5000 की फीस है, आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपकी फीस कम होकर 4500 हो जाती है। और हमारे पास 2 साल का भी मॉडल है उनके लिए जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में या पीजी में, या आप जॉब करते हो कहीं पर, या आप हाउसवाइफ है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर लीजिए। 8000 रुपए फीस आपको दिख रही है, बट अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपकी फीस 7200 हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है इस कोड की, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो ये कोड आपका सब में अप्लाई होगा, ये कोड आपका सब में अप्लाई होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आपको मुझे समझानी थी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं और अब अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा है बैंकिंग, बैंकिंग का अनाउंस, ठीक। तो बैंकिंग का अनाउंसमेंट हो गया है मर्जर का। अब ये बैंक मर्ज हो रहे हैं, ये बैंक कैसे मर्ज हो रहे हैं, क्यों मर्ज हो रहे हैं, हम सारी बात करेंगे। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आपस में मर्ज होंगे। और जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये पूरे इंडिया का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट बैंक बनाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा, ये तो हम केवल बात कर रहे हैं, उसके बाद कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक की बात करें, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, चौथा लार्जेस्ट बैंक बनाएंगे। अगर आप देखिए यहां पर यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, ये मर्ज हो रहे हैं, पूरे इंडिया का 5वें नंबर का बैंक बनाएंगे। एंड इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये मर्ज होकर पूरे इंडिया का 7वें नंबर का बैंक बनाएंगे। पहला कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा कौन सा हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के बाद, है ना, दूसरा पीएनबी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आपको रैंक तो मालूम चल गई। अच्छा, जो ये बैंक मर्ज हुआ तो जो अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही थी पहले, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो हमारे बैंक मर्ज होंगे वो रीजनल मतलब एरिया वाइज मर्ज होंगे, मतलब साउथ के बैंक साउथ में, नॉर्थ के बैंक नॉर्थ में मर्ज हो जाएंगे, सब इस तरह। तो देखो, अगर देखा जाए तो अब पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहां पे है, तो ये तो आपका गुड़गांव में है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तो अलग हो गया, रीजन में नहीं आया, ईस्ट में चला गया। अच्छा, और देखते हैं, यूनियन बैंक मुंबई, कॉरपोरेशन बैंक मैंगलोर, तो एक ये भी रीजन वाइज तो नहीं है, यानी एरिया वाइज जो अप्रोच है वो यहां पे काम नहीं कर रहा है। अब देखें यहां पर इंडियन बैंक मुंबई में, और इंडियन बैंक चेन्नई में, और इलाहाबाद बैंक आपका कोलकाता में, यहां भी एरिया वाइज नहीं मर्ज किया गया है। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक को आप बोल सकते हो, कैनरा बैंक जो है वो है बैंगलोर में, और सिंडिकेट बैंक जो आपका है मणिपाल में है, तो ये एरिया वाइज मर्ज हुआ है। तो ये हमें लग रहा था, तो हमारे माइंड में डाउट था कि जो ये मर्जर होगा ये कैसे होगा। तो आपको इससे क्लियरली दिख रहा है कि एरिया वाइज तो मर्ज नहीं किया गया, तो कैसे मर्ज किया गया, क्योंकि बैंक मर्ज होने पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इनको मर्ज किया गया है। देखिए, आपको इतना तो पता है ना कि हर बैंक का अपना एक पोर्टल होता है, सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिस पर बैंक के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जिसके थ्रू बैंक यहां से वहां पैसे भेजते हैं, सीबीएस, है ना। तो सीबीएस की बात करें तो सीबीएस कोई ना कोई कंपनी डेवलप करती है, किसी सॉफ्टवेयर पे डेवलप होता है, तो जिन बैंकों का सीबीएस सेम था उसके बेसिस पर मर्ज किया गया है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। आइए, ये सीबीएस वाला पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये तो हमारी शुरुआत है, आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए, अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। तो इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की, इन्होंने स्टार्टिंग की अनलॉकिंग पोटेंशियल थ्रू कंसोलिडेशन, यानी कि जो बैंकों का पोटेंशियल है वो अभी तक इंडिया उसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर, उसे यूज नहीं कर पा रहा। तो जो पोटेंशियल है उसे अनलॉक करना, मतलब ये जो बैंक मर्ज होंगे उससे बैंकों का पोटेंशियल जो हो सकता है, जो होना चाहिए था, वो होगा। यानी अभी के टाइम पर जो सरकारी बैंक है वो अपने फुल्ली पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का। एग्जैक्टली मैं उनका कहना ये था, अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना है, बढ़ना है, तो ये जरूरी था। लेकिन अगर मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी कुछ हो, अगर जनता को सीधे साफ शब्दों में समझाइए तो और क्लियर होगा। अब जरा मुझे बताइए कि बैंकों का मर्जर होने से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, ये कौन समझाएगा, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखिए, हम करेंगे बात इसके आगे।
जब बैंक मर्ज होंगे तो ये तो सच्चाई है, उनके असेट्स मर्ज होंगे, उनकी कैपिटल मर्ज हो जाएगी, उनकी कैपिटल मर्ज होगी, गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को अलग अलग बैंकों को संभालने के लिए बार बार कैपिटल देना पड़ता था। तो बैंक की कैपिटल बढ़ेगी, गवर्नमेंट के इनकम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी तो बैंक के पास पैसे बढ़ेंगे, तो बैंक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोन बांटेंगे। इवन फाइनेंशियल इंक्लूजन चल ही रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कहीं ना कहीं होगी। हाँ, ट्रस्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग, यानी बैंकिंग को टेक्नोलॉजी से पूरा भर देंगे, टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांजेक्शन बैंक से होगा और उतना पैसा आपका बैंक के हाथ में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हार्ड कैश लेके घूमता कौन है, हम तो सारा काम पेटीएम से, फोन पे से, यहां से वहां कर रहे हैं, तो हमारे पास हार्ड कैश पड़ा बचा कहां, हम तो सब बैंक में चले गए पैसा हमारा। तो बैंक के पास पैसा है तो बैंक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे लोन बांटेगा, और जब बैंक डिफरेंट सेक्टर्स में लोन बांटेगा तो क्या होगा, हमारे देश में मनी का फ्लो बढ़ेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम है तो गवर्नमेंट के पास भी पैसे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट भी उसमें इंक्लूड करेगा पैसा अपना, तो मनी फ्लो बढ़ेगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा, यह सोचना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। लेकिन वैकेंसी का क्या होगा, ये आपका सोचना है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या बोला, इनहेंस रिस्क एपेटाइट, मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में राइट नाउ जो बैंक्स थे गवर्नमेंट, वो रिस्क जो रिस्क होते हैं, कई तरह के रिस्क होते हैं मार्केट ऑपरेशनल, तो वो रिस्क को उतनी ठीक से बियर करने के लिए एबल नहीं थे, लेकिन अभी क्या हो जाएंगे, वो एबल हो जाएंगे बिकॉज उनके पास कैपिटल हो जाएगी। एक और मुद्दा भी था, एग्जैक्टली मैं बेसल नॉर्म्स की हम बात करें तो बेसल कमेटी ने एक नॉर्म्स बनाया है, बेसल थर्ड नॉर्म, और बेसल थर्ड नॉर्म हमारे देश में लागू नहीं हो पा रहा है, हर ईयर ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहना यह भी है कि इससे ये करने से हम बेसल थर्ड नॉर्म को भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, कैसे वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, तो इनहेंस रिस्क एपेटाइट, जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग, वाइडर ऑफरिंग विथ इनहेंस कस्टमाइजेशन, मतलब बात वही है सब, बेटर एबिलिटी टू रेज रिसोर्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है ये हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक की बात करने वाले हैं। ये तीनों मर्ज होंगे, तो ये तीनों मर्ज होकर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाएंगे, सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी विथ बिजनेस 17.95 लाख करोड़ रुपीज, यानी इनको मर्ज करने पर 17 लाख, मतलब 18 लाख करोड़ रुपए इतने पैसे हो जाएंगे, समझिए, ठीक है। मतलब कि पीएनबी के पास जो पैसा है उसका 1.5 टाइम डेढ़ गुना ज्यादा हो जाएगा, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क इन इंडिया विथ 11,437 ब्रांचेस हो जाएंगे पीएनबी के, क्योंकि ये ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक पीएनबी में ही मर्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं, हाई कासा, कासा का मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, हाई कासा रेशियो एंड लेंडिंग कैपेसिटी कंबाइंड इन कंसोलिडेशन बैंक, मतलब कि बैंकों का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो बढ़ जाएगा और बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे सर कासा बढ़ने से बैंक को फायदा क्या होता है, बहुत फायदा होता है। देखिए, करंट अकाउंट पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना होता, तो करंट अकाउंट का पैसा बैंक के लिए बिल्कुल अमृत है, क्योंकि खर्चा कुछ है ही नहीं है, आपको देना ही नहीं है, और आप करंट अकाउंट के अमाउंट का यूज कर सकते हैं। सेम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट कितना है, 3.5%। अगर कोई बंदा एफडी करेगा तो बैंक को उसको 6.5 या 7% के बराबर ब्याज देना पड़ेगा, तो एफडी आरडी से बैंक को अच्छा तो है कि पैसा टाइम के लिए आ जाता है, बट वो एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट देना है, बैंक उस पैसे से इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता जितना वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से प्रॉफिट से अर्न कर सकता है, ठीक है। तो कैसा रेशियो बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, और बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक की कैपिटल बढ़ेगी, बैंक की कैपिटल बढ़ेगी तो बैंक पैसा ज्यादा दे पाएगा, और भाई कैपिटल मिल भी तो रही है आप उसकी, जब बैंक को कैपिटल मिलेगी तो बैंक की कैपिटल और बढ़ेगी, तो बैंक की लैंडिंग फैसिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। अच्छा, लार्ज कॉस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू नेटवर्क ओवरलैप्स, तो मतलब क्या हुआ कि अब अलग अलग खर्चे बैंक के नहीं होंगे ना, अलग अलग नेटवर्क के लिए खर्चे नहीं होंगे, सब एक हो जाएंगे, तो बैंक का अपना कॉस्ट कम होगा, ठीक। गवर्नमेंट का कॉस्ट कम होगा बिकॉज गवर्नमेंट को अब अलग अलग बैंकों को देखना नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेम सीबीएस प्लेटफॉर्म है, वो आपको दिख नहीं रहा, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इन सब बैंकों का सीबीएस प्लेटफॉर्म सेम था, इसीलिए इनको आपस में मर्ज किया गया। तो आपको इसमें लर्न क्या करना है कि जो तीन बैंक मर्ज हो रहे हैं उनके नाम कौन से नंबर का बैंक बना वो, और ये जो कितना अमाउंट हुआ 17.95 लाख, और हां ब्रांचेस भी देख लीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना है आपको, उसके अलावा नहीं, और सब छोड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझाया गया है कि पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के मर्ज होने से क्या हो जाएगा। तो आप देखिए,
इनकी कैपिटल मर्ज होने से देख लीजिए करीब 18 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे बैंकिंग सिस्टम को, सब कुछ सुधरेगा। आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए सबसे पहले बात उससे हुआ, मैं बात करूंगा CRAR की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे। तो बेसल नॉर्म के हिसाब से जो बैंक्स हैं उनको कम से कम 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना था सेकंड नॉर्म में, लेकिन थर्ड नॉर्म में कितना 11.5%। आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, 11.5%। ठीक, अब देखिए इनके मर्ज होते ही क्या होगा कि अगर कंबाइंड बात करें तो कितना हो गया, ये 10.11 हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अब ये 11.5% कैसे, बिकॉज बेसल ने क्या बोला था कि बैंकों को अपनी टीयर वन कैपिटल कितनी रखनी है, 7%, 7, टीयर टू कैपिटल कितनी रखनी है, 2%, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना रखना है, 2.5%। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए इतना रखना है, तो अब इसके करीब हो जाएंगे। ये बोलना था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, ये बहुत जरूरी था। अगर जो बच्चे ये सब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बेसल नॉर्म्स उसमें मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये बात है, और अगर अगर आपको समझना है तो इतना समझिएगा कि बेसल नॉर्म कोई चीज होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कोई चीज होता है जो पहले बैंक उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब कर लेंगे, ये समझिए बस, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप देखिए ना, तो पीएनबी का मेंटेन होना बहुत मुश्किल था। हाँ, ओबीसी का ठीक चल रहा था और यूनिट इनका भी ठीक चल रहा था, लेकिन पीएनबी इनसे बहुत बड़ा बैंक था। पीएनबी का इंडिविजुअली ये मैचअप करना 11.5 बहुत मुश्किल था, बहुत वो ना हो पाता, तो उसकी वजह से मज भी हुआ, तो अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए आप नेट एनपीए रेशियो देखिए, ये 6.55, 5.93, 8.67, अब देखो यहां पे 6.67, ये भी अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से, देश के हिसाब से ये अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की बात कर लेते हैं। तो कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक मिलकर हमारे देश का चौथे नंबर का पीएसबी बनाएंगे, जिसका बिजनेस है 15.20 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि कैनरा बैंक का 1.5 टाइम ज्यादा, डेढ़ गुना ज्यादा। तो कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक मर्ज हो रहा है, कैनरा बैंक बचेगा, और कैनरा बैंक इनकी कैपिटल 15.20 लाख करोड़ रुपीस आएगी। ये चौथा बैंक है, पहला हो गया एसबीआई, दूसरा हो गया पीएनबी, तीसरा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा हो गया ये, ठीक। अब देखिए, थर्ड लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क इन इंडिया विथ 10,342 ब्रांचेस, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क। अगर हम पीएनबी की बात करें, पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क, तो पहले पे कौन है, एसबीआई, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, फोर्थ यहां पर है और थर्ड यहां पर है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक। आगे देखिए, लार्ज कॉस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू नेटवर्क ओवरलैप, वही सेम चीज हो गई, सारी बात सेम हो गई, ठीक है। तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, और सीबीएस जो पार्टनर्स हैं वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए, मे बी शायद आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, इमेज समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही हो तो कोई बात नहीं। तो इनको मर्ज करने पर टोटल बिजनेस 15 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है, पहली इंफॉर्मेशन। और अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो ये कितना जा रहा है, 12.63, मतलब कि ये तो मेंटेन हो जाएगा, ये तो मेंशन होना होना है। और नेट एनपी रेशियो भी देखिए 5.62% हो गया, अच्छी बात है, ठीक। तो कैपिटल बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और देखिए कासा रेशियो भी काफी इंप्रूव हुआ है, कासा रेशियो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से ये ठीक हुआ है, बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से ये ठीक हुआ है। अब यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक की बात कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, तीन बैंक, ये तीनों मर्ज होंगे तो ये पांचवें नंबर की सबसे बड़े सरकारी बैंक हो जाएंगे, पांचवें नंबर की सबसे बड़े सरकारी बैंक, जिनका टोटल पैसा कितना हो गया, 14.59 लाख, मतलब कि 15 लाख करोड़, ये भी हो गए, ठीक, 15 लाख, मतलब कि ये कौन सा यूनियन आंध्रा कॉर्पोरेशन में कौन सा बैंक बचेगा, यूनियन बैंक, ठीक। और ये यूनियन बैंक के पास जितना पैसा है उससे डबल हो जाएगा, और फोर्थ लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा ब्रांच में जो बैंक होते हैं उसमें चौथे नंबर का, कितनी, 9,609 ब्रांचेस, ये भी ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करें, बिजनेस टू बिकम ट्वाइस, मतलब जो इनका बिजनेस है वो डबल हो जाएगा, इवन 4.5 गुना हो जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी कॉस्ट कटिंग वटिंग जो है वो तो आपको मालूम ही है, ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। इनके भी सीबीएस वाले पार्टनर सेम ही थे, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अब अगर इनके मर्ज की बात करें, देखिए तो 14.59 लाख करोड़ रुपीस, मतलब नियर अबाउट 15 लाख करोड़ रुपीस हो ही जा रहा है। अगर हम इनका सीआरए की बात करें, 12.39, ये बहुत अच्छी बात हो गई,
हालांकि वैसे भी पहले के सारे बैंक, केवल आपका यूनियन बैंक जो 11.5 से कम था, वरना सब मेंटेन कर ही रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग किसकी कासा रेशियो की, तो कासा रेशियो भी 33% है। यहां पर आंध्रा बैंक का कम था और कॉर्पोरेशन बैंक का कम था, बट यूनियन बैंक का अच्छा खासा था, आप देख पा रहे हैं। नेट एनपी रेशियो की बात करें तो यह भी 6.30, यह भी ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, मतलब बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक। आइए अब इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों मर्ज होकर 7th लार्जेस्ट बैंक बनाएंगे, 7वां। ये चेन्नई का बैंक, ये आपका कोलकाता का बैंक, ठीक है। और इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 8.08 लाख करोड़ रुपीज। और कौन सा बैंक बचेगा, इंडियन बैंक बचेगा। और इंडियन बैंक के पास जो कैपिटल है उसका 1.9 टाइम, मतलब कि लगभग दुगना पैसा आ जाएगा यहां पे, ठीक है, इंडियन बैंक के पास। अच्छा और बात करें, नेशनल वाइड प्रेजेंस विद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन द साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये बोला गया है कि मतलब कि इनका एक बढ़िया प्रेजेंस है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इलाहाबाद बैंक तो ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में काफी है, और इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक तो पूरे देश में है, बट इंडियन बैंक चेन्नई का बैंक है, साउथ में इसका अच्छा ग्रिप है, अच्छी पकड़ है। वही बोला जा रहा है कि ये दोनों बैंकों का नेटवर्क हर जगह है, ये अच्छी बात है, इसलिए इनको मर्ज किया गया है, और बिजनेस साइज डबल हो जाएगा, और वही सब कॉस्ट कटिंग वटिंग वाली बात है, कासा रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर इमेज दिखाई गई है, मे भी शायद आपको दिख रही हो, मे भी, बस हम इतना बता रहे हैं कि 8 लाख करोड़ रुपए इनका पूरा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कासा रेशियो की, 41% हो जाएगा, और अगर सीआरआर की बात करें 12.89, मतलब ये तो मतलब बेसल नंबर लग जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना, ठीक है। और नेट एनपी रेशियो 4.39, अच्छा है, काफी कम है इनका, ठीक है, तो ये भी अच्छा है, ठीक। अब देखते हैं, अब चीजों को समराइज करते हैं, ठीक है। तो 2017 में हमारे देश में 27 बैंक थे सरकारी, 27 में कैसे 27 थे, क्योंकि आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट्स बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक है ना, तो इनको मर्ज किया गया, इनको मर्ज किया गया तो क्या बन गया, कितने बन गए बैंक, कम हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया गया है। उसके बाद आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, याद होगा आपको शायद, ठीक। तो अभी 12 सरकारी बैंक बचे, ये भी आपको लर्न करना काफी जरूरी है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के बाद 12 सरकारी बैंक बचे हैं 27 से, ठीक है। अच्छा अब कौन कौन से पॉइंट देखने, देखिए तो अगर हम बात करें एंकर बैंक कौन से होंगे, एंकर बैंक का मतलब क्या हुआ, एंकर जो मतलब मेन रोल प्ले करेंगे, ठीक है, एसबीआई को छोड़ दीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई, इसमें मर्ज हो गया। कौन सा बैंक बचा, पीएनबी, यानी पीएनबी बैंक बचेगा, ये बैंक का नाम, ठीक। अच्छा कितना अमाउंट हो गया, ये भी आपने देख लिया, नियर अबाउट 18 लाख करोड़ रुपीज। और अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे ये आ गए, और इन सब का जो सीबीएस पार्टनर है वो कौन है, फिनेकल है, फिनेकल पर काम होता है इनका, इनका सॉफ्टवेयर फिनेकल है, अब ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक बचेगा, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया, ठीक, मर्ज हो गया, 15.20 लाख करोड़ रुपीज इनकी कैपिटल हो गई, 4th लार्जेस्ट बैंक ये बन गए, और इनका जो सीबीएस पार्टनर है, जो सॉफ्टवेयर है वो आईफ्लेक्स पे है, इसीलिए इनको आपस में मर्ज किया गया, दोनों का सेम था, ठीक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रह जाएगा, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो जाएंगे इसमें, 14.59 लाख करोड़ रुपीज कैपिटल हो जाएगी, 5वां लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा, और इनका भी फिनेकल था, ठीक। और इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक, तो इलाहाबाद बैंक मर्ज हो जाएगा और इंडियन बैंक बचा रहेगा, और कैपिटल 8.08 लाख करोड़ रुपीज, 7th लार्जेस्ट, और इनका जो था वो BANCS था, जो पार्टनर था सीबीएस। आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर 2017 में हो चुका, और बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ महीने पहले हुआ था, तो ये आपको मालूम ही है, ठीक है। अच्छा बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही काम करेंगे। आप देख लीजिए, आप बैंक ऑफ इंडिया का 9.03 लाख करोड़ रुपीज है, यानी कि क्या हो गया, पहला बैंक कौन सा, एसबीआई, दूसरा कौन सा हो गया, पीएनबी, तीसरा बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा हो गया चौथा बैंक कैनरा, पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां बैंक कौन होगा, ये तो सातवां आ गया, तो छठवां बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया 9.03 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। और तो ये दोनों ऐसे ही काम करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक, ये सब रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे तो लग रहा है, इन फ्यूचर जो ये आरआरबीज हैं, आरआरबीज ग्रामीण बैंक है ना, मुझे लग रहा है कि ये ग्रामीण बैंकों को इनमें मर्ज कर दिया जाएगा,
ये मुझे लग रहा है, ये मेरा सोचना है, मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, बट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बैंक इतने बड़े बैंक ने देखे ना, 3.75, 3.17, लेकिन क्यों इनको छोड़ दिया गया? तो इसका रीजन मुझे लग रहा है कि जितनी ग्रामीण बैंक हैं उनको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन बैंकों को कुछ कैपिटल का इंजेक्शन भी दिया है। देखिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक को 16,000 करोड़ रुपीस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,700 करोड़ रुपीस, बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़, 6,000, ये देख लीजिए यहां पे पूरी कैपिटल लिखी है, पूरी कैपिटल यहां पे लिखी है। इंडियन ओवरसीज बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, यूको बैंक को, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को, सबको कितना मिला है? 55,250 करोड़ रुपए, 15,250 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। और क्या गलत बताया गया है? वाइड रेंज रिफॉर्म किया गया, ठीक है भाई, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर पीएसबी, मतलब सरकारी बैंक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो वो सब ठीक है, मालूम चल गया हमको, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको लर्न करना है, ध्यान देना है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या कुछ और रिफॉर्म्स हुए हैं? जी हाँ, तो गवर्नेंस रिफॉर्म की तो बात कर लें। गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया? काम करने का तरीका, एमडी, एमडी, सीईओ, ठीक है। देखिए, टू मेक मैनेजमेंट अकाउंटेबल टू बोर्ड, बोर्ड कमेटी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक टू अप्रेस परफॉर्मेंस ऑफ जनरल मोटर्स एंड अबव। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो हम किसी बैंक की बात करते हैं, जैसे बैंक में एमडी, सीएमडी, उसके बाद जीएम, ये लोग होते हैं, तो हाई लेवल की पोस्ट पर, जैसे मान लो कि मैं किसी बैंक का सीएमडी हूं और मुझे अपने बैंक में अपॉइंट करना है, डिप्टी एमडी अपॉइंट करना है, जीएम अपॉइंट करना है, डिप्टी जीएम अपॉइंट करना है, तो मेरे ही हाथ में था। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि नेशनलाइज्ड बैंक बोर्ड है, अब सारे मामले उसके पास जाएंगे, वो एम्प्लॉइज का काम देखेंगे, अप्रेस करेंगे, मतलब काम अच्छा लगा तो अप्रेस करेंगे और तब प्रमोशन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी यही हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला, ठीक। और क्या बोला गया? टू मेक ऑफ कंट्रोल मैनेजेबल इन लार्ज पीएसबी पोस्ट कंसोलिडेशन, बोर्ड गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस सीजीएम एज पर बिजनेस नीड। तो ये जो मर्जर हो गया उसके बाद क्या होगा, जो भी सरकारी बैंक है, जो बड़े बैंक है, उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि वो अपने हिसाब से एम्प्लॉय को भी चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हिसाब से एक कहते हैं ना कि जो रिस्क को असेस करते हैं, रिस्क मैनेजर आप बोल सकते हैं, उसे अपॉइंट किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना कि आपको इस तरह के काम देखना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला, मतलब जस्ट लाइक प्राइवेट कल्चर, जस्ट लाइक प्राइवेट कल्चर, ठीक। और देख लीजिए, एक बात यह भी बोली गई है कि स्पेशल एजेंसीज फॉर्म टू मॉनिटर लोन अबव रुपीज 250 करोड़ रुपीज टू अवॉइड अ नीरव मोदी लाइक सिचुएशन। कि हर बैंकों को एक स्पेशल एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए 250 करोड़ से ऊपर जो भी लोन है उसको वॉच करने के लिए, ताकि नीरव मोदी वाला केस फिर से ना हो। तो गाइज, ये था हमारा सेशन। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट रह गया, बहुत सारे बच्चे काफी दुखी हैं आज, बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। ये देखिए, पहली बात तो बी पॉजिटिव, दूसरी बात यह है कि ये मर्जर का सीन आज से नहीं चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि जो बैंक वैकेंसीज निकालते हैं वो अपने ऐसे मन से निकाल देते हैं? बैंकों को पता होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इस वो वैकेंसी जो निकलती है वो उसी हिसाब से निकलती है कि आगे क्या, वो आज का नहीं देखते हैं ना कि क्या हो रहा है। वो जब वैकेंसी निकालेंगे बेटा तो 2-3 साल के बाद का देख के निकालते हैं, उनको पता है कि मर्जर है। तो वैकेंसी के लिए चिंता मत करिए, और चिंता करना भी आपको नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं। यूपीएससी की 400-500 सीट आती है, उस पर कितना लंबा फाइट होता है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है, आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इधर क्या हो रहा है, इधर मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ दे रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है, ठीक। इधर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों को जस्ट लाइक प्राइवेटाइज कर रही है, जस्ट लाइक, मैंने पूरा नहीं बोला, ठीक। और काफी कल्चर वो आ रहा है, तो भारत सरकार भी नहीं बोला, अभी सीतारमन जी ने बोला कि हम कुछ इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये पेमेंट बैंक था ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी आपने सुना कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कन्वर्ट होगा, गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसएमई को, रूरल एरियाज में किसानों को लोन देने के लिए। यानी कि क्या गवर्नमेंट तो अपना बैंक बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? क्योंकि आप देखो ना कि गवर्नमेंट को फंड की नीड है। अब गवर्नमेंट को फंड की नीड है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने आरबीआई से लड़ाई कर ली कि हमको रिजर्व चाहिए, यानी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पब्लिक का पैसा। सरकारी जो बैंक है ना, ये नाम मात्र के सरकारी, भारत सरकार को इनसे पैसा नहीं मिलता है।
तो और पोस्ट ऑफ पब्लिक अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जो जमा करती है वो गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन क्या हम और आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब हो सकता हो कि अगली बड़ी वैकेंसी आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो था, जो अभी स्मॉल बैंक हो जाएगा, उसमें मिल जाए। बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।